बहराइच हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद समेत 23 लोगों के घरों पर पीडब्ल्यूडी ने नोटिस चस्पा कर दिया है। यह नोटिस सरकारी रास्ते पर अतिक्रमण कर बनाए गए मकानों को लेकर दिया गया है। विभाग ने निर्देश दिए हैं कि ग्रामीण सड़क के बीच से 60 फीट की दूरी पर बने अवैध निर्माण को 3 दिनों के भीतर हटा लिया जाए। अगर निर्धारित समय में अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी। वही बहराइच हिंसा मामले में मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद के वकील कलीम हाशमी ने कहा कि जिला न्यायालय द्वारा जानबूझकर परेशान करने के लिए नोटिस भेजे जा रहे हैं। आरोपी जेल में है और उसे नोटिस दिया जाना नहीं चाहिए था। वे अवैध रूप से घर को ध्वस्त करना चाहते हैं। वे आरोपी को अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दे रहे हैं। जो व्यक्ति जेल में है उसका घर लूटा जा रहा है, वो अपने दस्तावेज कैसे जमा करेगा क्योंकि उसे ऐसा करने का समय नहीं दिया जा रहा है। उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करना चाहिए और आरोपी को अपना पक्ष रखने का अवसर देना चाहिए। नोटिस की जानकारी हमें कल प्राप्त हुई है रात में। नोटिस अभी ये जानबूझकर प्रताड़ित करने के लिए किया जा रहा है जिला प्रशासन के द्वारा। इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण मामला ये है कि 3 दिन का जो समय दिया गया है, जब एक्यूज जेल में है, सब जान रहे हैं, तो एक्यूज को सर्व करवाना चाहिए था। जानबूझकर घर पर चस्पा किया गया है कि गैरकानूनी रूप से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इस मामला पेंडिंग होते हुए उस भवन को तोड़ना चाहते हैं, गैरकानूनी काम करना चाहते हैं, इसीलिए गलत तरीके से नोटिस दी गई है। नोटिस जब तक एक्यूज को मिलेगी नहीं, जेल में उनसे मिलने का अवसर नहीं दिया जाएगा, जेल से उनको अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया जाएगा, तब तक इस मामले में जो कार्रवाई की जा रही है बिल्कुल स्पष्ट कर रही है कि प्रताड़ित करने के लिए किया जा रहा है। मीडिया बंधु आप समझिए कि सिर्फ 23 आदमी के खिलाफ क्यों? क्या जिला प्रशासन इस बात का प्रमाण पत्र देगा कि इस 23 के अलावा कोई इंक्रोचमेंट और नहीं हुआ है? इससे ये स्पष्ट हो रहा है, हम ये कह रहे हैं कि अगर अवैध निर्माण है, सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस पर कहा है कि गाइडलाइन बनाई है और कहा है कि तोड़ना चाहिए, बिल्कुल हम इसके सपोर्ट में है तोड़ना चाहिए, लेकिन क्या इस पर अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया जाना चाहिए? जो आदमी जेल में है, उसका घर लूट लिया गया है, उसको अपने दस्तावेज पेश करने हैं, वो अपना दस्तावेज कैसे पेश करेगा जब आप सही समय नहीं देंगे? हम ये कह रहे हैं कि इसमें आप उचित समय दीजिए, उसका पक्ष सुनिए, उसके बाद आप उसको धराशाही करिए। इस पर कोई रोक नहीं लगाना चाहता है, सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन है, उसको फॉलो करें, अपना पक्ष रखने का मौका दें और जो कानूनी कार्रवाई है उसको करने दिया जाएगा और सपोर्ट किया जाएगा। अभी हमारी कुछ अपने सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं से बातचीत चल रही है। अभी हमारे कुछ पैनल के लोग बता रहे हैं कि जनाब कपिल सिब्बल साहब से दोपहर में बात होगी और जो रिट वहां सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग